हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, इट इज़ अबाउट द बैलेंस डाइट ऑफ अ 10 मंथ ओल्ड बेबी। मैंने अपनी 9 मंथ की बेबी का भी डाइट चार्ट बनाया, तो साथ में मैंने सोचा कि 10 मंथ का भी बना के मैं एडवांस में रख लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम टू टाइम आपको नहीं टाइम मिलता बनाने का। तो मैंने सोचा कि मैं पहले 10 मंथ बेबी का जो डाइट चार्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसके बाद आई विल ऑल्सो शेयर 9 मंथ ओल्ड बेबीज़ डाइट चार्ट। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हम लोगों ने ये जो डाइट चार्ट बनाया है, इट डिपेंड्स ऑन द कैलोरी इनटेक। आप सबको पता है कि हर 1 kg पर 120 कैलोरीज हम लोग अपने बच्चे को खिलाते हैं। लाइक इफ़ योर बेबी इज़ 10 kg, तो आप उसको 10 × 120 कैलोरीज़ खिलाएंगे। और हम लोगों ने वैसे एवरेज लगाया है, 10 किलो का बच्चा 10 मंथ में कम ही होता है। एंड अगर आपका बेबी 10 केजी का है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तब भी वेल एंड गुड, इट्स ओके, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो एवरेज वेट लगाया है, इट इज़ 793 कैलोरीज़ के हिसाब से। तो जो मेल चाइल्ड होगा उसको हमको पूरा दिन में 793 कैलोरीज़ खिलानी है, और जो बेबी गर्ल है उसको 717 कैलोरी खिलानी है। तो हमारा पूरा मकसद है कि उसमें वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ग्रेन हो, सब कुछ हमारे डाइट चार्ट में हो। कैल्शियम और आयरन का इंटेक डाइट में बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना, क्योंकि आपको पता है फाइनली फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस डाइट से होगा जो हम अपने बेबी को खिलाएंगे। तो मैंने पहले इसको डिवाइड किया है ना बेसिक फूड पिरामिड चार्ट, और उसके बाद आप लोगों को रेशो के हिसाब से मैंने चार्ट बनाया है, जो बिटवीन जो मेजरमेंट होगा इट शुड बी बिटवीन 1/4 to 1/2 कप ऑफ सीरियल्स आपको देने हैं, 1/4 to 1/2 कप ऑफ फ्रूट्स आपको देना है, 1/4 and 1/2 कप वेजिटेबल्स, 2 to 3 स्पून डेयरी आइटम होना चाहिए, और 4 tablespoons प्रोटीन या मीट होना चाहिए। तो दिस इज़ द सम अप, पर मैंने मीट इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आई हैव बेसिकली मेड अ वेजिटेरियन चार्ट। तो वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट ऑल दिस एज यू विल ओनली बी सप्लीमेंटिंग ब्रेस्ट मिल्क विद रेगुलर फूड्स। सो वाइल यू डू कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, यू कैन स्लोली स्टार्ट रिप्लेसिंग फ्यू मील्स विद रेगुलर एंड सॉलिड फूड दैट इंक्लूड फिंगर फूड्स, खासकर जो आप अपने बेबी को हाथ में ही दे देते हो वो खा लेता है, जैसे एप्पल स्टिक्स हो गई, बनाना हो गया, और बिस्किट्स हो गए, जो टीथिंग बिस्किट्स होते हैं। हाउएवर देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको मैं पहले बता दूँ। तो एज टू वेन यू मस्ट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंटायरली, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो गाइज लेट्स स्टार्ट, बट फर्स्ट आई हैव मेड अ नोट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। द फर्स्ट थिंग इज ब्रेस्ट मिल्क का जो फॉर्मूला मिल्क होगा, इसको आप इस डाइट चार्ट में आफ्टरनून में भी दे सकते हो। और अगर बच्चा कोई भी मिल्क जो है वो सप्लीमेंट है वो अगर मिस कर जाए, तब भी आप उसको फॉर्मूला मिल्क पिला सकते हो। आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो डाइट चार्ट को। तो हेयर इज़ द डाइट चार्ट ऑफ एवरी डे, तो आप इसको फॉलो करें, डेफिनेटली आपका बेबी हेल्दी रहेगा, उसको सारी कैलोरीज मिलेगी। और बस ये याद करें, याद रखें कि जिस दिन बच्चा ना खाए कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, कोई भी बैलेंस डाइट, इसमें से ना कोई फूड मिस हो जाए उसका, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, उसको अपने घर में जो अवेलेबल है वो खिला दो। अगर वो भी नहीं खा रहा तो फॉर्मूला मिल्क तो है ही हमारे पास, या ब्रेस्ट मिल्क तो है ही। तो गाइज लेट्स स्टार्ट।